उत्तर प्रदेश में जनगण मन यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से मेल मुलाकातों का दौर देर शाम तक जारी रहा। चिलचिलाती धूप व लू के थपेड़ों के बीच इस दौरान कोठारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जनमानस को भी टटोला। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया कि भाजपा को मिल रहे अपार जन समर्थन से कांग्रेस में घबराहट है। इस बार यूपी में पहले से ज्यादा सीटें तो भाजपा को मिल ही रही हैं। अमेठी व रायबरेली में भी वह प्रचंड बहुमत से जीत रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि खुद प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रचार में जुटी हैं उससे साफ है कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने हार की ठीकरा प्रियंका के माथे पर फोड़ने के लिए ही उन्हें यहाँ कमान सौंपी है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता पूछ रही है आखिर प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी मैदान में क्यों नहीं उतरे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेठी और रायबरेली की जनता कांग्रेस से नाराज है। लंबे सालों तक इन दोनों सीटों पर कांग्रेस काबिज रही, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ। अपने कार्यालय की चर्चा करते हुए स्मृति ने बताया कि 5 साल में अमेठी का हर गाँव सड़क से जुड़ गया है। हर गाँव में पानी की टंकी, स्कूल और अस्पताल है। पिछड़ों और गरीबों के साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी खूब हुआ है। उनका दावा था कि अमेठी के मुस्लिम मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान करेंगे। अमेठी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने चर्चा के दौरान कहा कि इस बार अमेठी में जनता का चुनाव है। पिछली हार का बदला लेने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। उन्हें एहसास है कि पिछली बार उन्होंने अच्छे के चक्कर में बुरे का चुनाव कर लिया। सिंघल का कहना था कि इस बार भाजपा सांसद का व्यवहार ही उन्हें ले डूबेगा, क्योंकि अमेठी अपना सम्मान वापस चाहती है। रायबरेली में चर्चा के दौरान भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी दिखी। भाजपा प्रत्याशी को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि मजबूत प्रत्याशी के खिलाफ साफ सुथरी छवि का ही समकक्ष प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में